नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई चल रही है। यूपी सरकार ने कहा है कि यूपी में डेलिमिटेशन की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर लेंगे और निकाय चुनाव को लेकर सीजीआई बेंच में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय ज्यादा है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि 3 महीने का समय ज्यादा है। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, सुनवाई शुरू हो गई है, क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या मिल रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के बेंच में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसमें अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने खासतौर से बताया कि 31 जनवरी 2023 में जो निकाय चुनाव की है उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर बात करें तो सरकार ने कमीशन भी बना दिया है जिसको लेकर के ओबीसी को आरक्षण किस तरीके से दिया जाना है इसको लेकर के रिपोर्ट अगले 3 महीने में आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं, उस समय सीमा तक हम खाली नहीं रख सकते हैं किसी भी निकाय को लेकर के। इसके बाद अगर बात करें तो सीजीआई अपनी अभी भी दलील दे रहे हैं जिसमें साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही जो तमाम सारी प्राथमिक स्तर की रिपोर्ट है उसको तैयार करवाने का काम करेगी। इसके साथ साथ टोटल अगर पिटिशनरों की संख्या देखी जाए तो 92 पिटिशनर्स की संख्या पहुंच गई है जिन्होंने निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग संबंधित मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं याचिका दायर की है। यह जानकारी भी सीजीआई को दी गई है। अभी अगर बात करें तो मामले में दलील रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरा पक्ष सॉलिसिटर जनरल मेहता रख रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये मामला अभी भी चल रहा है। जी, क्योंकि अविनाश, कमेटी बनाई गई है और कमेटी की तरफ से पूरी जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। सरकार की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया है जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 3 महीने का समय है वो काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा है कि 3 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में निकाय को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पे यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया है कि वहाँ पर भी निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू करने को लेकर के कमीशन बनाया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, बाद में उस तरीके से आरक्षण को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी कमीशन की नियुक्ति कर दी गई है, वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है और जल्दी प्राथमिक स्तर पर रिपोर्ट हम तैयार कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि चुनाव कराया जा सके। फिलहाल अभी भी दलीलें रखने का जो है क्रम वो अभी जारी है, चूंकि अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से याचिका दायर की है तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट आएगा या फिर उनकी जो भी टिप्पणी है वो आएगी निकल के। लेकिन फिलहाल अभी यहां पे आर्गुमेंट्स चल रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सारे निकाय हैं वहां की जो चुनाव की समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो रही है और कई जगह पे ऐसे भी निकाय हैं जहां पे पहले ही समाप्त हो चुकी है, ये जानकारी दी जा चुकी है। और इसके साथ साथ आरक्षण को लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आगे काम कर रही है इसको लेकर के भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज अपना पक्ष रखा जाएगा जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि शुरुआती दौर से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुखर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, तो आज उनकी तरफ से क्या तैयारी है पक्ष रखने की? जी देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो अपनी याचिका लगाई है उसमें मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव हो वो बाकायदा ओबीसी आरक्षण के साथ हो। इसी को लेकर के अगर बात करें तो उसने अपनी जो पिटीशन है वो दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को एडमिट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहती है और यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के ही कमीशन की नियुक्ति की गई है जिससे कि आरक्षण का जो सारा प्रक्रिया है उसको अपनाया जा सके और उसके बाद फिर चुनाव कराया जा सके। तो लिहाजा ऐसे में जब सरकार ही वहाँ सहमति अपनी जता रही उत्तर प्रदेश की, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी अपनी ओर से यह जरूर पक्ष रखेगी कि जिस तरीके से जो आरक्षण लगे थे उत्तर प्रदेश के अंदर वो कहीं ना कहीं गलत थे और सही तरीके से आरक्षण लग के आगे चुनाव हो इस बात को लेकर के अपना पक्ष रख सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने का अभी समय नहीं आया चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस वक्त पक्ष रख रहे हैं। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या दलील रखी जाती है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश, नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब
आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड से मुंबई के लिए एयरलिफ्ट हुए हैं ऋषभ पंत। देहरादून के मैक्स अस्पताल से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं ऋषभ पंत। आपको बता दें कि मुंबई के अस्पताल में अब ऋषभ पंत के आगे का इलाज होगा। कुछ देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पंत निकल चुके हैं। 23 दिसंबर को रुड़की में हादसे का शिकार हुए थे पंत। दरअसल क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून के निजी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया गया है। आपको यह भी बता दें कि 23 दिसंबर को उत्तराखंड के रुड़की के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कई गंभीर चोटें उन्हें लगी है। कुछ दिन दिल्ली में देहरादून में उनका इलाज चला था और अब उन्हें मुंबई के लिए लिफ्ट किया गया है और यह कहा जा रहा है कि लीलावती अस्पताल में उनके आगे का इलाज जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई गंभीर चोटें उन्हें लगी थी। देहरादून के मैक्स अस्पताल में 3 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और अब उन्हें मुंबई के लिए रवाना किया गया है। मुंबई के अस्पताल में ही अब ऋषभ पंत के आगे का इलाज होगा। तो कुछ देर पहले ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से निकले हैं ऋषभ पंत। देहरादून के मैक्स अस्पताल से ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा रहा है। 6 दिनों तक उनका इलाज यहां पर चला है, लेकिन उसके बाद उनके अच्छे इलाज के लिए उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी है कि उनको यहां से मुंबई ले जाया जा रहा है और अभी तक की अगर बात करें तो 30 दिसंबर की सुबह तड़के 5:30 बजे ये हादसा हुआ था और उसके बाद 10 बजे के करीब जो है ये इलाज उनका मैक्स अस्पताल में यहाँ पर चल रहा था। लगभग अगर बात की जाए तो अभी मैक्स अस्पताल में उनकी जो प्रारंभिक जाँचें हैं वो की गई हैं। सर और पीठ का MRI यहाँ पर हुआ है और इसके साथ ही जो सर पर जो कट लगा था उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी यहाँ पर की गई है। लेकिन अब BCCI के डॉक्टर्स और जो अस्पताल के डॉक्टर्स थे वो लगातार टच में थे, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि यहाँ से ऋषभ पंत को एक अच्छे और अच्छे इलाज के लिए उनको यहाँ से अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा, जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट होंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे। जानकारी है कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में अब ऋषभ के आगे का जो इलाज है वो यहाँ से वहाँ पर जो है किया जाएगा। उनके लेगामेंट में जिस तरीके की जो इंजरीज थी वो अब यहाँ पर जो है अभी क्योंकि ये कोशिश की जा रही थी कि यहाँ से जो उनके प्रारंभिक जो जाँच है, जो बाहरी चोटें हैं वो जब ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद उनको यहाँ पर यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। उनकी जो है MRI की गई और अब उनके जो लेगामेंट की जो बात आ रही थी कि जो कहा जा रहा था कि घुटने के जो आगे का इलाज है वो अब यहां से मुंबई में किया जाएगा, क्योंकि BCCI के डॉक्टर्स और जिस अस्पताल में मैक्स में उनका इलाज चल रहा था वहां के डॉक्टर्स लगातार संपर्क में थे। अब यहां से ऋषभ को ले जाया गया है, उनके बेहतरी इलाज अब वहां मुंबई में दिया जाएगा और उनके प्रशंसकों की लगातार उनके लिए दुआएं हैं कि वो जल्द ठीक हों और एक बार फिर से मैदान में चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो संदेश देना चाहते हैं इसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मन साथ चलेंगे तो सब चलेंगे और इसलिए मन मिलना चाहिए और जो धारा चल रही है वही धारा 24 में मिलेगी तो बहुत कुछ होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, गाजियाबाद से होते हुए जब जाटलैंड में पहुंचे हैं तो कितनी चीज बदलती हुई? कुछ नहीं बदला है। देखिए ऐसा है, खेती बदल जाती है लेकिन खेत का महत्व नहीं बदलता है। किसान की वेशभूषा बदल जाती है, उसकी ध्वनि बदल जाती है लेकिन किसान का मन, किसान का दिल नहीं बदलता है, आप समझे ना। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कहाँ से भी आए, गोरखपुर से लेकर हमीरपुर से और हमीरपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मथुरा की खड़े हुए हैं। देखिए मथुरा के खड़े हुए हैं प्रदीप माथुर जी और मथुरा हाथरस गुड़वा दी, तो मैं पूरे के पूरे फिर गिनवाऊँगा। जगह जगह से कार्यकर्ता आए हैं और आकर एक ही बात कह रहे हैं कि जो आज हमको आह्वान हुआ है राहुल गांधी जी का कि इस देश को जोड़ के रखना है, तो ये उत्तर प्रदेश देश का एक नमूना है, छोटा सा नमूना पूरे देश का, हालांकि हम एक बहुत बड़ा प्रांत हैं और उत्तर प्रदेश को वही करके दिखाना है जो देश को संदेश गया है और ये संदेश हमने स्वीकार किया है। हम पूर्ण समर्थन इस संदेश को देते हैं, निकल कर आए हैं, सर्दी में निकल कर आए हैं और हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं ताकि ये संदेश कामयाब हो जाए। इन 3 जिलों से गाज़ियाबाद, बागपत और शामली, इन 3 जिलों से क्या 72 जिलों में संदेश दे पाए? नहीं, 72 जिलों में तो हम घूम चुके हैं, 6 यात्राएँ पहले हो चुकी हैं जो इसकी तैयारी के लिए की गई थी। प्रांतीय राष्ट्र जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रांत में यात्राएं करी हैं,
तो ये संदेश तो हम पहले से दे चुके हैं कि आप तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और लोग तैयार होकर आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या 24 के लिए भी तैयार है? तैयार तो देखिए, राजनीति में हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो अलग धारा है और ये अलग धारा है। ये धारा देश को जोड़ने की है, वो धारा चुनाव लड़ने की है। उस पर अलग से काम हो रहा है, वो काम चलेगा। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज़ हो जाए। साइकिल और हाथी की बात हो जाती है, शुभकामनाएं तो दी हैं भाई, चिट्ठी भेजी गई, तो हैंडपम्प भी है ना? हैंडपम्प ना तो अपनी बात कर, हैंडपम्प भी है, साइकिल है, हाथी है, हम तो पैदल चल रहे हैं। अगर कोई वाहन साथ चलेंगे, वाहन हमको और दूर तक पहुंचाएंगे, तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? लेकिन मन साथ चलने चाहिए। राहुल जी का ये उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। और इधर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इस यात्रा को सियासत से न जोड़े, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जयंत चौधरी के राहुल गांधी को तपस्वी बताने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। खास बातचीत कर लेते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। साहब से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज दूसरा दिन है, कितनी चीजें आपको लग रही हैं? चूंकि देख रहे हैं कि जब कन्याकुमारी से शुरू होकर यहाँ पहुंची तो एक बड़ा उत्साह था, एक बड़ा इंतजार था कि जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगी तो क्या तस्वीर बदलेगी। कल जब लोनी बॉर्डर में दिल्ली से प्रवेश हुई तो हमें सभी का भरपूर समर्थन मिला, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सभी ने भरपूर समर्थन दिया। और वहाँ अगर मैं कहूँ कि लाखों लोग थे तो मैं ये गलत नहीं होगा, सभी पैदल चल रहे थे राहुल जी के साथ। और आज सुबह हमने ये मापी कला से सुबह 6:30 बजे राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली थी। हम बागपत होते हुए आज यहाँ पर हम लोग दोपहर का लंच का हमारा कार्यक्रम है, इसके बाद यहाँ गुफा वाले हनुमान जी मंदिर के पास से हम लोग निकलेंगे और फिर बड़ौत में एक कार्यक्रम है, और शाम को हम एलम गांव नहीं है बल्कि कस्बा है, नगर पंचायत है, तो उसके बाहर रात को रुकेंगे, वहाँ हमारे टेंट लगे हुए हैं, और कल वहाँ से निकल करके कैराना होते हुए हरियाणा प्रदेश के सोनीपत ज़िले के में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को राष्ट्रीय ध्वज सौंप करके यात्रा का को हम विदा करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से ये था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी ने कदम रखे उधर से जयंत चौधरी का ट्वीट आ जाता है कि राहुल गांधी तो तपस्वी हैं, तो इसके क्या सियासी मायने हैं? चर्चाएं तो बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। देखिए, इस यात्रा को तपस्या उससे सियासत से मत जोड़िए, राहुल गांधी जी तपस्वी हैं। तो जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताकर भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया और उसे भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने नेता को समर्थन के बाद रालोद के बड़े नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने उमड़ पड़े। आरएलडी नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम बड़े दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का जो सबसे बड़ा जवाब है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से आया कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी को तपस्वी बताया बल्कि इस भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन भी दिया। और उनके समर्थन देने के बाद देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और जगह जगह स्वागत भी किया गया। और कहते हैं ना कि अतिथि देवो भवा, और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से कोई भी यात्रा जब गुजरती है तो कुछ इसी अंदाज में स्वागत भी किया जाता है। इन्हीं लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्जवल जी, उनसे बात कर लेता हूँ। कुलदीप जी, जयंत चौधरी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, तपस्वी बता दी, और आप लोग भी स्वागत के लिए आ गए हैं, चिट्ठी तो और जगह भी लिखी गई, तो आपकी तरफ से इतनी बड़ी पहल। किसानों और कमेरों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी इस देश में सौहार्द का माहौल चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, समरसता स्थापित करना चाहते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश के लोगों को किसान और कमेरा
के श्रेणी में देखना चाहते हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती है। स्वागत की बात कर लिए, जिला अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहूँगा कि कितने किस तरीके से क्या एक संदेश आप लोगों की तरफ से दिया गया, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज यहां सड़क पे है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, राज्य ने ध्यान आरक्षण को लेकर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो कल मामले में सुनवाई जारी रखेगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। यूपी में निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से यह पक्ष रखा कि यूपी में डेलिमिटेशन की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर लेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीजीआई बेंच में यह सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 महीने का समय है वो काफी ज्यादा है और जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है उसे लेकर यह अब जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर ध्यान देकर अपना आदेश सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और अविनाश लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ। अविनाश, क्या अपडेट है फिलहाल सुनवाई से? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई चल रही है। अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जो कमीशन बनाया गया है उसको 6 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस बात की गारंटी दी जाए कि 31 मार्च 2023 तक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। फिलहाल अभी तकरीर रखी जा रही है। अभी भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं सरकार को और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार आगे आरक्षण को लेकर के प्रक्रिया अपनाने जा रही है और कमीशन किस तरीके से काम करेगा। कमीशन के टेन्योर भी बताया गया है और अभी अभी दलील चल रही है जी। क्या और रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, अब आगे क्या, अब सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है इन बातों को लेकर? और जरूर किया है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो सही तरीके से आरक्षण का पालन सही तरीके से नहीं किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी ओर से टिप्पणी की है। अभी कोई आदेश नहीं दिया, अभी अगर बात करें तो जजमेंट में कोई आदेश नहीं आया है। फिलहाल अभी तकरीर रखी जा रही है, दलीलें रखी जा रही है, दलीलों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। फाइनल जजमेंट क्या देखता है इसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने ये भी टिप्पणी की है क्या इस पूरे मामले की सुनवाई हम कभी जारी रख सकते हैं, जिससे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी सहमति जाहिर की है, क्योंकि सीबीआई पूरी जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे निकाय हैं उनका कार्यकाल है, आगे किस तरीके से आरक्षण का पालन अब तक किया उत्तर प्रदेश सरकार ने और किस तरीके से आगे जो कमीशन बनाया गया वो काम करेगा, ये तमाम सही जानकारी सीबीआई की तरफ से ली जा रही है और फिलहाल अभी अपनी टिप्पणी ही चीफ जस्टिस ने की है, कोई आदेश नहीं दिया है जी। क्या लगता है अविनाश, कितनी देर तक और सुनवाई चलेगी आज की? अविनाश सुन पा रहे जी? अविनाश क्या लगता है आज की सुनवाई कितनी देर तक और चल सकती है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि कल भी सुनवाई जारी रहेगी? देखिए, अगर बात करें तो अभी ये सुनवाई चल रही है, कितनी देर चल सकती है इसके पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर है वो कब तक इस पूरे मामले को सुनते हैं और फिर आगे किस तरीके से कल मामले को टेकअप करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी दलील रखी जा रही है और कितनी देर तक ये दलील रखी जाएगी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीजीआई जब तक सुनना चाहेंगे तब तक वो इस पूरे मैटर को सुनेंगे और जैसे ही उनको लगेगा कि इस मैटर को अब कल सुना जाना चाहिए फिर उसके बाद वो अपनी ओर से कल से सुनने के लिए कहेंगे जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज अपना पक्ष रखा जाएगा, क्या आज ही समाजवादी पार्टी की जो याचिका है उसे सुना जाएगा या के लिए भी कल का इंतजार करना पड़ेगा, उसे लेकर के अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे वकील जरूर पेश हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तय करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी को आज ही सुनते हैं या फिर वो कल सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी अपनी एक टिप्पणी में कही है कि हम इस मामले इसके बाद अगर बात तरीके से इस पूरे मामले को सुना जा रहा है सीजीआई तो किस तरीके से कितनी देर तक चीफ जस्टिस कितनी देर तक सॉलिसिटर जनरल को सुनते हैं, उसके बाद फिर अगर उनके विचार बनेगा तब वो आज ही समाजवादी पार्टी के वकील को सुनेंगे, नहीं तो वो कल भी इस मामले को सुन सकते हैं। ठीक है अविनाश, लगातार नजर बनाए रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही। यूपी नगर निकाय चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। और बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार से 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इधर हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर ध्यान देकर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपना आदेश दिया है। राज्य ने ध्यान में रखकर आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत यह दिया है कि वो कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रखेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से ओबीसी आरक्षण दिया जाना है। तो यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। यूपी नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें यह कहा गया था कि जनवरी तक नगर निकाय चुनाव होने हैं। बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से रोक लगा दी गई है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और साथ ही साथ अब कल भी मामले की सुनवाई जारी रह सकती है। जिस तरीके से आज सुनवाई हुई उसे लेकर अब ये संकेत मिल रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर कल भी जो सुनवाई है वो जारी रह सकती है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से। और इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो है रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है, नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को और कहा है कि 3 हफ्ते में जवाब सरकार को पेश करना होगा। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया है, जिन तथ्यों को लेकर आदेश सुनाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, उसे सही करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब एक नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार को, जिसमें यह कहा गया है कि 3 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को इस पर जवाब देना होगा। आपको बता दें कि कल भी मामले में सुनवाई जारी रखेंगे और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण दिया जाना है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई। हमारे साथ इस वक्त अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो वकील थे, जो यहाँ पे पैरोकार के रूप में पेश हुए थे, वो भी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से आज कहा है अपनी टिप्पणी में, क्या सरकार का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई आदेश नहीं दिया है। जो सरकार आई थी हाईकोर्ट के स्टे कराने के लिए, हाईकोर्ट के आर्डर को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे कर दिया है। और सरकार ने जो कमीशन बनाया है, कमीशन को जो है उसका कमीशन का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर आप ख़त्म कीजिए, स्पेशली अगर हो सकता है तो एज सून एज पॉसिबल 31 मार्च तक 2023 तक कमीशन अपना रिपोर्ट दे दें, जिसके आधार पर इलेक्शन कराया जाए। उस पोर्शन को छोड़कर बाकी जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अगर बात करें तो साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कोई बड़ा नीतिगत फैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगा और तब तक एडमिनिस्ट्रेटर निकायों को चलाएगा। हाँ, एक्चुअली यह है कि कार्यकाल जब निकायों का सबका जिनका खत्म होता जा रहा है, उसके बारे में हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए बात कहा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट अस एडमिनिस्ट्रेटर उसको काम करेगा, बट किसी भी निकाय के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा, फाइनेंशियल चीज़ों को डील करेगा। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे वकील थे, तो क्या आप लोग इस फैसले से, इस आदेश से संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल इस फैसले से, आदेश से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस पार्टी से नहीं था, मेरा मेन पर्पस था ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जाए तो बता दिए, आप सुन रहे थे वकील को जो कि समाजवादी पार्टी के साफ तौर पे बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है और सरकार को ये साफ तौर पर कहा है सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कि जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन जो नियुक्त किया गया है, वो 31 मार्च 2023 तक हर स्थिति में अपनी रिपोर्ट दे। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो बड़े नीतिगत फैसले हैं निकाय के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेंगे, केवल निकायों को चलाने का आदेश वो जारी रखते रहेंगे। ये अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा है। जी, क्योंकि अविनाश, एक राहत तो यहाँ पर सरकार को जरूर मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया था कि 31 जनवरी तक बिना आरक्षण के चुनाव कराना है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। कल भी सुनवाई जारी रहेगी पूरे मामले को लेकर, कल का दिन कैसे अहम रहने वाला है पूरे मामले को लेकर?
ठीक है, अगर बात किया तो अब कल मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की जब अपनी दलीलें रख रहे थे तब सीजीआई ने एक टिप्पणी जरूर की थी कि हम मामले को क्या कल सुन सकते हैं क्या, तो जब सॉलिसिटर जनरल ने अपनी सहमति जताई थी उसके बाद भी सीजीआई ने दलीलों को सुनने का क्रम आगे जारी रखा, और जब दलीलें पूरी रख दी गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ऑर्डर पास कर दिया है। ऑर्डर में सर्वप्रथम ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है, नंबर एक आदेश ये रहा है। नंबर दो आदेश ये रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जो कमीशन बना है ओबीसी का उसका 6 महीने का कार्यकाल है और 6 महीने को उसे अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी, 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट देनी होगी। और इसके साथ साथ ये भी तीसरा जो आदेश दिया है कि जो निकाय चुनाव है जहां पे 31 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है कार्यकाल तमाम सारे निकाय चुनाव के अंदर, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर निकाय को चलाएंगे और कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, जो केवल निकाय को चलाने के लिए जरूरी फैसले हैं केवल वही लेंगे। तो ये तीन बड़े आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से दिए हैं और यही आदेश अब आगे जारी रखे जाएंगे, और अब सरकार के ऊपर ये रहेगा और कमीशन के ऊपर ये रहेगा कि 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट अपनी पूरी बना के दे, जिसके बाद फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ सके। जी, ये भी कहा गया है कि राज्य ने ध्यान नहीं दिया आरक्षण को लेकर, और अब आगे क्या, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज ही अपना पक्ष रखा जाएगा या उसके लिए भी कल का इंतजार करना पड़ेगा? जी देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया यहाँ पे, चूंकि सीजीआई ने जब अपनी ओर से सॉलिसिटर जनरल की तमाम सारी दलीलें सुनी, जो समाजवादी पार्टी की बात की, समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद था सुप्रीम कोर्ट आने का कि जो निकाय चुनाव हो उत्तर प्रदेश के अंदर वो सही तरीके से आरक्षण लागू होने के बाद ही हो। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे कमीशन की नियुक्ति की है। जब ये सारी जानकारी अगर बात करें तो दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से पूछा, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जब कराना चाहती है तो सही तरीके से आरक्षण लागू हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सही तरीके से आरक्षण लागू हो, इसको लेकर के जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करे, तो मकसद यही था। और इसी मकसद के तहत अगर बात करें तो दलीलें जो समाजवादी पार्टी के वकील हैं उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से पूरी क्लियरिटी कर दी थी, पूरी तस्वीर साफ कर दी थी, तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश पारित कर दिया है। जी, क्योंकि अगर अविनाश देखा जाए तो जो 3 महीने का समय है जो कमेटी को दिया गया है सरकार की तरफ से जांच करके रिपोर्ट सौंपने का, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस समय को भी ज्यादा बताया गया, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई है कि जनवरी तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है, तो क्या ये माना जाए जनवरी या फिर उसके 3 महीने के मध्य में निकाय चुनाव हो सकते हैं? देखिए, अगर बात किया अब 3 महीने के अंदर सर्वप्रथम जो कमीशन बना है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के वो अपनी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करेगा, किस तरीके से आरक्षण दिया जाए, किस तरीके से आरक्षण को लागू किया जाए, इस पूरी रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आगे पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे अगर बात करें तो फिर चुनाव की प्रक्रिया आगे होगी। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया होगी, फिलहाल 31 मार्च 2023 तक जो कमेटी है वो अपना पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करेगी और सही तरीके से आरक्षण लागू हो इस बात का ध्यान रखेगी, और उसके बाद फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी। जी, क्योंकि नोटिस दिया गया है, 1 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब सरकार की तरफ से ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें मजबूती के साथ रखा जाएगा और जिनका जवाब देना है 1 हफ्ते में जो जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर बात करें तो सरकार को ये सब चाहिए सर जानकारी देनी होगी कि किस तरीके से आगे जो कमीशन है वो काम कर रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट की तैयारियां हो रही है, और जो निकाय जहां पे अगर बात करें तो 31 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे रन करेंगे, ये तमाम सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पे कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ नीतिगत निर्णय लेंगे, कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, ये अपनी ओर से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर गए थे कि 31 जनवरी तक चुनाव कराया जाए। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया हुई है यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने का भी काम किया। हाँ, जिस तरीके से कमीशन का कार्यकाल ज्यादा लंबा रखा था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि 3 महीने तक अपनी रिपोर्ट बनाए और आरक्षण को सही तरीके से लागू करके बताए। अब क्या लगता है अविनाश, आज की सुनवाई को देखते हुए, क्योंकि 3 महीने का समय जैसे कि ज्यादा बताया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आरक्षण को राज्य सरकार ने ध्यान में रखकर जो आरक्षण है वो नहीं बनाया गया है, अब क्या लगता है, क्या जो इस समय सीमा दी गई थी कमेटी को 3 महीने की, क्या सरकार की तरफ से उसे कम किया जा सकता है? क्योंकि कमेटी की तरफ से भी हमेशा ये कोशिश की जा रही है, ये बात कही जा रही है कि कम समय में जो जांच पूरी है वो की जा सकती है, तो क्या अब ये समय सीमा पर भी ध्यान दिया जा सकता है?
जी जाहिर तौर से बात है कि जो कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है वो न्यायालय के आदेश पर नहीं बनी, बल्कि इस उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय के आरक्षण को लेकर किस तरीके से सही तरीके से लागू कराया जाए इसको लेकर के उसने कमेटी बनाई है। और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से 6 महीने का कार्यकाल रखा था कमेटी का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक वो रिपोर्ट तैयार करे, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ये पूरी तरीके से रहेगा कि जो कमेटी उसने फॉर्म की है वो 31 मार्च 2023 तक आरक्षण को लेकर के अपनी पूरी रिपोर्ट दे कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू हो इस बात को लेकर के। और इसी को लेकर के अगर बात किया तो अब लगातार यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई उससे समाजवादी पार्टी भी संतुष्ट नजर आई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक राहत मिली है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था उस पर स्टे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से उसने जो कमेटी का फॉर्म किया था और कमेटी को जिस तरीके से समय दिया था अगले 6 महीने के लिए उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कमी हुई है समय को लेकर के। उस समय सीमा के अंदर अब कमेटी को अपना रिपोर्ट तैयार करना होगा और तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को इत्तला करनी होगी किस तरीके से आरक्षण अब नए सिरे से वहां पे दिया जा रहा है, किस तरीके से आरक्षण को नए सिरे से लागू किया जा रहा है और उसके बाद फिर आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी। क्योंकि जो ये डिलिमिटेशन है इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे, इसी को लेकर के अगर बात की तो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुए हैं और इसी के बाद अगर बात की तो ये कहा था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक कराएं। इसके बाद अगर बात की सरकार उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाईकोर्ट का आदेश सही था क्योंकि सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण लागू किया था वो सही नहीं था। और इसके बाद अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से पहले ही वहां पे आयोग का गठन कर दिया था तो यहां पे जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि सही तरीके से आरक्षण लागू और सही तरीके से आरक्षण रहे इसको लेकर के आयोग बनाया गया है और इसकी जो सीमा है वो 6 महीने की रखी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आरक्षण को लेकर के डिलिमिटेशन को लेकर के ये आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करे और फिर सरकार बताए कि किस तरीके से आगे वो चुनाव कराने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। जी, कल का दिन अगर देखा जाए अविनाश, क्योंकि कल भी कहा गया है कि मामले में सुनवाई जारी रहेगी, तो कल का दिन कैसे अहम रहने वाला है, कल क्या क्या होने वाला है कोर्ट में? जी देखिए, कल अब किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होगी। कल की अगर बात करें तो सीजीआई ने जब वहाँ पे आर्गूमेंट रखे जा रहे थे, दलीलें रखी जा रही थी, तो सीजीआई ने केवल एक टिप्पणी की थी कि क्या इस मामले को हम कल सुन सकते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुन सकते हैं, लेकिन आज ही पूरी दलील को सुन लिया गया और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से जो आदेश देना था वो दे दिया है। तो कल इस मामले में किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होगी। अब सरकार को सर्वप्रथम वहाँ पे अगर बात करें तो डिलिमिटेशन के तहत जिस तरीके से आरक्षण लागू करना है इसको लेकर के कमीशन के जरिए 3 महीने के अंदर अब रिपोर्ट तैयार करवानी होगी और उसके बाद फिर निकाय चुनाव में आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल अब 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे, उसके बाद ही अगर बात करें तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे प्रक्रिया बढ़ने के बाद चुनाव होंगे। जी, क्या लगता है विदाश, क्योंकि देखिए पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कहीं ना कहीं देखिए ये मंचा है, क्योंकि इससे पहले जब याचिकाकर्ता को हमने सुना था हाई कोर्ट में उनका भी ये कहना था कि वो भी ये चाहते हैं कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो। इधर सरकार भी ये चाहती है कि निकाय की जो है तारीख को जल्दी से जल्दी उसकी घोषणा की जाए। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या लगता है कब जो निकाय चुनाव का सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है? देखिए, फिलहाल 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे, एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो चुकी है। 31 मार्च 2023 को जब ओबीसी कमीशन अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेगा या उसके पहले भी अगर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है, क्योंकि जो आखिरी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है वो 31 मार्च 2023 दी गई है, अगर उसके पहले सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करा लेती है कमीशन के जरिए, उसके पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के कमीशन पूरी तरीके से काम कर लेता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकता है कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब हम इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने के लिए तैयार है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके तहत आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जाहिर तौर से बात है कि उस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो 31 मार्च 2023 तक रुकती हुई दिख रही है, उसके बाद ही अब आगे चुनाव बढ़ने की दिशा दिख रही है। जी, और जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि ओबीसी आयोग का 31 मार्च पार्टी के जो वकील अड़ग रहे हैं, देखिए समाजवादी, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के वकील रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। आप लोग बताइए कि क्या अब माना जाए इसके अंदर निकाय चुनाव की तस्वीरें कब तक साफ होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जो है सेल्फी दाखिल की थी और उसमें यही मांग की थी जो हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा लिया जाए, और उस पर हम लोगों ने स्टे मांगा था और उसको रोक मांगी थी कि बिना आरक्षण के इलेक्शन ना हो, उस पर
सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी भावनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए उसको उस पॉइंट को स्टे करने का काम किया है और ये समाजवादी पार्टी की जीत है और पिछड़ों की जीत है। ये भी कहा गया कि 31 मार्च 2023 तक आरक्षण को लेकर के जो आयोग बना है वो पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करे, क्योंकि बीजेपी भाग रही चुनाव से, बीजेपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में पराजित हो रही है, इसलिए बीजेपी भाग रही थी और वो 6 महीने मांग रहे थे और उनको पहले ही ये ट्रिपल टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगभग 6 साल होने जा रहा, उनको कोई नई सरकार नहीं बनी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन भेजा था, उनको करा लेना चाहिए था, बीजेपी ने नहीं कराया, ये बीजेपी की नाकामी है। और माना जाए कि जो निकाय चुनाव है उसकी तस्वीरें मार्च 2023 के बाद ही साफ हो। आप देखिए, बीजेपी चुनाव से भी भागना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी अभी लगभग मैनपुरी में चुनाव हुआ जिसमें लगभग 3 मैनपुरी में मत जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो कुछ हुआ उसकी बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से अब जो निकाय चुनाव है उसकी तस्वीरें साफ होगी आगे। देखिए, 3 महीने का वक्त दिया है कि रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट देने के बाद में उन्होंने इलेक्शन के लिए कहा है और निश्चित तौर पे मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ओबीसी की भावनाओं को ध्यान में रखते जो विधि सम्मत जो आरक्षण मिला था और जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान के तहत एक्ट के तहत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण लागू किया था। आप लोग फैसला से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट के? निश्चित तौर पे, क्योंकि ओबीसी का हक मारा जा रहा था और बीजेपी कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके ओबीसी का आरक्षण खत्म कराना चाहती थी, उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे किया है, जो हाईकोर्ट का निर्णय है कि जिसमें कहा गया था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा दिया जाए इतनी डेट तक, उसको स्टे किया है। ये कहीं जो निकाय चुनाव की तस्वीर है वो अप्रैल 2023 में ही जाकर साफ होगी, कब तक होगा उसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। निश्चित तौर पे और ये मुख्य मुद्दा था, ये बीजेपी भागना चाह रही थी, बीजेपी तो 6 महीने ले जा रही थी, 6 महीने ले, बीजेपी चुनाव से भी भागना चाह रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दें। देखिए, ये साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उसके ये वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किए हैं आज, और ये बता रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट आयोग को हर हाल पे देनी होगी और इसके बाद फिर चुनाव का मार्ग साफ होगा। फिलहाल अगर आपको बताया तो एक ये सबसे बड़ी जानकारी है कि 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो अब आगे चलेगी, आरक्षण को लेकर के जो पूरी तरीके से लागू करना है वो अब ओबीसी कमीशन अपना काम करेगा। सीएम दिनेश शर्मा यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। सुनवाई ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, साफ तौर पर कह दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जनवरी तक चुनाव कराने का उस पर रोक लगा दी गई है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है, निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। ये सपा बसपा कांग्रेस जो अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे थे जी, उनके मुंह पे ताला लगा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से जी। आप जानते हैं कि पिछड़ों को प्रोन्नति का भी लाभ ना मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रयास किया था जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे समय इस बात का ख्याल रखा गया कि चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अनुसूचित या पिछड़ा हो, सभी को जो कानून प्रदत्त आरक्षण की प्रक्रिया है उसका अनुपालन हो, और यही बात उन्होंने न्यायालय में भी यही पक्ष रखा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मोहर लगाई है और जो समय सीमा दी है, निश्चित रूप में सरकार के प्रयत्न होगा कि आयोग से वो आग्रह करें। अब आयोग को ही ये समय तय करना है जी। और मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय है अभी तक का, हमेशा सरकार ने न्यायालय के निर्णयों का पालन किया है और चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आरक्षण की प्रक्रिया और उनके दिए गए अनुपात के अनुसार हो, ये वचनबद्धता सरकार की पहले से रही है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार के नियत में कोई खोट नहीं थी जी। ये आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये सिद्ध हो गया है कि ये जो सपा और बसपा के लोग आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस के लोग जी, वो झूठा आरोप और अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे थे। लेकिन सर, अनर्गल तरीके से आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि आरक्षण को ध्यान में रखकर ही आरक्षण लगाया गया है, सबको ध्यान में रखकर ही आरक्षण लाया गया, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया आरक्षण को लेकर। नहीं, देखिए, प्रक्रिया थी जिसका जो आपका 3T फॉर्मूला के अंतर्गत जो प्रावधान है वही 2017 के सर्वे के अंतर्गत दिए गए प्रावधान है, लगभग एक से है और उनका पालन करके सरकार ने किया है।
अब वो प्रक्रिया का प्रारूप क्या हो, नाम क्या हो, ये अगर न्यायालय तय कर रहा है तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। पहले भी जो सर्वे था वो 2017 का जो सर्वे था वो भी माननीय न्यायालयों के विभिन्न समय पर दिए गए निर्णयों के अनुरूप था, और उनकी जो प्रक्रिया और जो प्रावधान है वही लगभग प्रावधान 3T फॉर्मूले के अंतर्गत भी है। चलिए सर, बहुत बहुत जी। 3T फॉर्मूला को कह रहे हैं तो अब वो प्रक्रिया उसी अनुसार सरकार अपनाएगी, इसीलिए आयोग का गठन किया है। ठीक है, चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे, जो पक्ष रख रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश चौधरी जी। चौधरी जी, पहले तो बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है आज ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्या कहना है सर आपका, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। बहुत धन्यवाद आपको। मैं हाईकोर्ट में यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपीयर हुआ, और जो उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष था हमने उसी को सपोर्ट किया। 2017 में जो सर्वे हुआ उसी के बेसिस पर यह इलेक्शन नोटिफाई हुआ। दूसरी चीज यह है कि हाईकोर्ट का यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि रिजर्वेशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फार्मूला है उसको नजरअंदाज करके हाईकोर्ट कह रहा है कि आप बिना इलेक्शन बिना रिजर्वेशन के कराइए, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था कहीं से भी किसी कारण से। तो इसलिए हमारा अपना खुद का भी मानना था कि रिपिटिशन यहाँ मेंटेनेबल ही नहीं थी जो हाईकोर्ट में रिटे फाइल हुई थी, क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट जो 5 दिसंबर को जारी की गई थी, टेंटेटिव नोटिफिकेशन जिसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया गया था उस पर ऑब्जेक्शन आता, ऑब्जेक्शन डिसाइड होने के बाद अगर किसी कोई एग्रीड होता तो वो फाइल करता, तो रिट पिटीशन प्रीमैच्योर थी, ये हम लोग का आर्गुमेंट भी था यहाँ हाईकोर्ट में। जी सर, क्योंकि अगर इस पूरे आज की सुनवाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि 3 महीने तक तो अब निकाय चुनाव नहीं होने हैं। अब जो ये सस्पेंस है निकाय चुनाव पर बना हुआ, ये कब खत्म होगा? जो ओबीसी आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसे लेकर आयोग की बात है, आयोग का फैसला 3 महीने में बिल्कुल आ सकता है, बहुत इजिली आ सकता है। गवर्नमेंट इसमें ऑफिसर पढ़ा रही है जैसा मुझे जानकारी मिली है, और सर्वे 3 महीने में कम्प्लीट हो सकता है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनेगी जिसमें कंसर्निंग मेयर सॉरी ये एग्जीक्यूटिव अफसर होंगे या नगर आयुक्त होंगे, और तीसरा जो गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नॉमिनी होगा। 3 लोगों की कमेटी काम करेगी जब तक अगली एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होकर नहीं आ जी। जो नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें आप क्या शामिल किया जाएगा सरकार की तरफ से? उसमें वही शामिल किया जाएगा कि जो 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 गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं उसको सरकार शामिल कर रही है। सरकार का जो नोटिफिकेशन है, सरकार ने तो पहले ही अपनी नोटिफिकेशन को सही माना ही था 5 दिसंबर को भी, तो इसमें उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सरकार जो का जो सर्वे है 2017 का उस पर आयोग ने कुछ कहा ही नहीं कि भाई सर्वे सही, और ना ही उस सर्वे को किसी रेट में चैलेंज किया गया। जी, तो क्या माना जाए सर कि जो सस्पेंस बना हुआ है 31 मार्च के बाद वो सस्पेंस खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा। देखिए, रिजर्वेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के ना हाईकोर्ट कुछ कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन रिजर्वेशन देने की बात की गई है वो रहेगा, 243 आर्टिकल 243 में प्रोवाइडेड है, उसी के क्रम में एक्ट बनाया गया है। सेक्शन 9A जो नगर पालिका म्यूनिसिपलिटीज एक्ट में जोड़ा गया है रिजर्वेशन देने की, वो उसी क्रम में जोड़ा गया है। ना तो सेक्शन 9A चैलेंज किया गया, नक्शन 9 को क्वेश्चन किया गया, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो बिना रिजर्वेशन के तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये मेरा कहना है। जी, 6 महीने के समय को 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, क्या लगता है आपको चुनौती रहने वाली है? 3 महीने में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? पूरी जो तथ्यों पे काम करना है उन पर काम बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इस पर अभी हमने एक डिबेट में शामिल था दूरदर्शन पर, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल बात कही थी कि 3 महीने में बिल्कुल ये रिपोर्ट दी जा सकती है, और 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। जी बिल्कुल आएगी, और 3 हफ्ते में जो जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप पे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश चौधरी जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए पूरे मामले को लेकर राकेश चौधरी, और शरद पाठक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हाईकोर्ट में, जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। शरद जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है, आदेश दिया गया है सरकार को, क्या कहना है आपका उस पर? देखिए, ये तो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई, हम तो लखनऊ में हैं जी, और जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है,
अब हम मेरे याची बहुए पांडो को नोटिस जारी हुई होगी, नोटिस मिलेगी फिर हम अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। जी जैसे कि आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की तो उनका भी ये कहना है कि राज्य सरकार ने आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा है और इसलिए अब उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि 3 महीने का समय काफी होगा कमेटी के लिए जाँच जो रिपोर्ट है उसे सौंपने के लिए? देखिए मेरी समझ से तो 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया उनकी भी बैठक हुई थी और अभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार को छापा गया था कि वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें 6 महीने का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उसमें हर लोकल वाडी में जा करके अध्ययन करना, उसके बाद रिकमेंडेशन देना, तो उसमें काफी समय लगेगा। तो वो स्वयं कह रहे थे हमें 6 महीने का समय चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर आदेश में 3 महीने का समय दिया है तो वो आदेश आने पर देखना होगा कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा क्या है। आप लोगों की तरफ से अब आगे क्या संतुष्ट है हाईकोर्ट के इस आदेश पर आप, या फिर आगे अपनी बात को और लेकर जाएंगे? नहीं, अभी तो उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया और नोटिस जारी की होगी, हमारे याची को जब नोटिस मिलेगी तो हम भी अपना पक्ष वहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अब आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि इससे पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये भी मांग की जा रही थी कि निकाय चुनाव समय पे होना चाहिए, सरकार की भी यही मंशा है कि निकाय चुनाव समय पर होना चाहिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी मांग अभी भी यही है कि निकाय चुनाव समय पर होना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ट्रिपल टेस्ट का जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसका पालन करते हुए चुनाव होना चाहिए विलंब शीघ्र से शीघ्र, हमारी यही मांग है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद शरद पाठक जी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए आपका। तो याचिकाकर्ता जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, उनका पक्ष भी आपने सुना, उनका कहना है कि 6 महीने का समय काफी होता अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया जाता, लेकिन 3 महीने का समय उन्होंने नाकाफी बताया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 3 महीने के समय में पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी, और इसी के साथ नए नोटिफिकेशन के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। अब कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाली है, लेकिन ये बड़ी राहत भी सरकार को मिली है। तो यूपी निकाय चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम पक्ष रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया है सरकार को, और इस बीच अविनाश लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। अविनाश, जो सभी पक्षों की हमने बात सुन ली है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है, इधर याचिकाकर्ता का भी ये कहना है कि जो 3 महीने का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो नाकाफी है इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए। जी देखिए, अगर बात करें तो अब याचिकाकर्ता कुछ भी कहें, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, अब उत्तर प्रदेश सरकार को हर हाल में आयोग के जरिए 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करानी होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा या निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में देना होगा, जिसके बाद फिर नई जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया और साफ तौर पर कहा है कि जो 6 महीने का कार्यकाल है इस आयोग का, 6 महीने का कार्यकाल काफ़ी लंबा है, 3 महीने के अंदर ही उनको पूरे तरीके से आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट तैयार करनी होगी, डिलिमिटेशन को लेकर के पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसे वो राज्य निर्वाचन आयोग को भी सौंपेंगे, जिसके बाद फिर अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग आगे नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव के लिए आगे बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब निकाय चुनाव जो है ये मान के चलिए कि अप्रैल में ही होंगे, मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि मार्च तक अब जो कमेटी गठित हुई है वो अपना काम करेगी, वो डिलिमिटेशन को लेकर के अपना काम करेगी, आरक्षण को लेकर के अपना काम करेगी और फिर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जो ये एक समय सीमा तय की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कि 31 जनवरी 2023 तक ही चुनाव कराया जाए, वो समय सीमा पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे निकायों के अंदर कई सारी पार्टियां, कई सारे प्रत्याशी लगातार तैयारियां कर रहे थे जोर शोर से, अब उनको थोड़ा इंतजार करना होगा, पार्टियों को भी, प्रत्याशियों को भी, क्योंकि अब जिस तरीके से जो कमीशन गठित हुआ है, कमीशन अब अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग आगे चुनाव के लिए बढ़ेगा, फिर नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब निकाय चुनाव संभव हो पाएगा, उससे पहले पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया है, उनका कहना है कि बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का हम स्वागत करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके ये भी लिखा है कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और रोक के आदेश का भी स्वागत करता हूँ। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जी को, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी है, उन्हें ये करारा जवाब मिला है।
तो डिप्टी सीएम का ये ट्वीट आपने देखा है और लगातार अविनाश भी अपडेट हमें दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।